स्टूडेंट सो आईपेक्लेचर फॉर अल्काइल लास्ट क्लास तक कंप्लीट uh, हो गया था अलकाइन तक सो नेक्स्ट अल्काइल अलकाइल है एक आईपेक्लेचर से प्रैक्टिस करना है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और सबसे पहले की फंक्शनल ग्रुप चलिए अल्काइल लाइट का जनरल फॉर्मूला पढ़ लीजिए सी एन एच टू एन प्लस वन और एक्स यह है जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस एन एच टू एन प्लस वन एक्स फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एक्स X एक्स का मतलब ऑफ एफ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो ये है फंक्शनल ग्रुप। एक्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ठीक है नेम लिखना हो नेम लिख सकते हैं एफ एफ फॉर फ्लोरो, सी क्लोरो, ब्रोमो आइडो तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो अगर आप आर एक्स ऐसे रहें तो इसका जो नेम होगा आयोपिक नेम जो लिखते हैं इसको आई यू पी ए जो नेम लिखते हैं वो हो गया इसका नेम हेलो पहले इसका नाम आएगा है हेलो अल्किन हेलो अल्केन तो एच ए एल ओ हेलो का मतलब भाई फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो और अल्किन हेलो अल्किन तो यह है आयोपिक नेम ऐसे लिखा जाता है मेन चेन मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन वाला चेन जो होगा वो मेन चेन होगा इसमें जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं नेम और ये सी एच थ्री और सी एच टू और सी एच और यहाँ सी एच टू और सी एच थ्री आ गया और यहाँ है सी एच टू सी एच टू और ये है सी ऐसे ये हो गया तो ये है मेन चेन मेन चेन ये कहलाएगा ये चेन जो हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिफाइंड एज मेन चेन ये नहीं ये नहीं कि ऐसा वन टू थ्री और फोर फोर वाला नहीं ये नहीं क्लोरीन है तो उसको मेन चेन लेना है तो मेन चेन जो है वो ये है आपका जिसमें कार्बन है आपका फाइव ये हो गया मेन चेन कार्बन फाइव के लिए नेक्स्ट स्टार्ट करिए फिर छोटा सा नेम अगर हम लोग सी एच थ्री सी एल ऐसे ले लेते हैं सी एच थ्री और सी एल सी एच थ्री सी एल तो क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन क्लोरो और ये है मीथेन वो मिथाइल क्लोराइड हुआ वो कॉमन नेम हुआ मिथाइल क्लोराइड जो है ये कॉमन नेम आ जाएगा ये जो आप पढ़ते थे कि मिथाइल क्लोराइड ये मिथाइल बोलते थे मिथाइल और क्लोराइड तो ये मिथाइल क्लोराइड जो है वो कॉमन नेम हुआ आयोपेक नेम है क्लोरो मिथेन ये हो गया नेक्स्ट तो यह है क्लोरोइथेन क्लोरो और टू कार्बन है तो इथेन क्लोरो इथेन इथाइल क्लोराइड जो है वो कॉमन नेम आएगा ये नेम हुआ तो कॉमन में हो जाता इथाएल क्लोराग। इथाएल क्लोराग। इथाएल क्लोराग। है इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड ये नेक्स्ट अब इसी पे अगर दो रहता ऐसे दो रहता जैसे ये है सी एच थ्री और c और यहाँ पे सी एल और सी एल और एच ऐसे रहता दो रहता तो ये क्या हो गया जेमिनल जेमिनल कंपाउंड हो गया तो इसका ऐसे हम लोग नेम करेंगे नंबरिंग करेंगे जानते हैं नंबरिंग में और ऐसे वन टू तो इसका नाम हो गया वन कॉमा वन 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 डाई क्लोरो क्लोरो वन वन डाई क्लोरोथेन वन वन डाई क्लोरोथेन एस वन वन डाइक्लोरोथेन जेमिनल कंपाउंड हुआ जेमिनल ये कंपाउंड जो हुआ वो जेमिनल जेमिनल का मतलब दो क्लोरीन एक ही कार्बन पे है तो ये ऐसे कंपाउंड को हम लोग जेमिनल जेमिनल कंपाउंड बोलते हैं और इसका नेम पढ़ेंगे कॉमन नेम में तो इथाइलीडीन क्लोराइड डाइक्लोराइड ने इथाइलीडीन क्लोराइड सो इसका जो कॉमन नेम है हम लोग पढ़े हुए थे इथाइलीडीन और क्लोराइड यह है इथाइलिडीन क्लोराइड यह कॉमन नेम में आ जाएगा नेक्स्ट मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है और सी एच टू और सी एल ऐसे और यहां पे सी एच टू और सी एल तो ये विसिनल में आएगा इस ऐसे कंपाउंड विसिनल कहलाता है तो ये हुआ वन टू ये नंबरिंग करेंगे तो वन टू ऐसे ये हुआ वन और टू वन टू वन टू इथेन तो वन टू डाइक्लोरोलोरो वन टू इथेन तो यह है वन टू इथेन उंडल जेमिनल कंपाउंड ये ये है है जेमिनल विसिनल कंपाउंड हो गया विसिनल कंपाउंड कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि कार्बन अगल बगल पे अगर दो हाइड्रोजन रहेगा तो ये विसनल हो गया ऐसे विसनल कंपाउंड एक ही पे रहेगा तो जेमिनल हो गया और अगर कॉमन नेम पढ़ेंगे तो इथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं इथाइलिन क्लोराइड कॉमन नेम so हो गया सो वन टू थ्री कार्बन हो गया फोर्थ फोर कार्बन में डिस्कस कर लेते हैं फोर कार्बन में प्रोफाइल क्लोराइड कर लीजिए आईपेक नेम में वन क्लोरो वन पे क्लोरो वन क्लोरो और थ्री कार्बन है तो प्रोपेन वन क्लोरो प्रोपेन यह है वन क्लोरो प्रोपेन एस यह है वन और टू थ्री तो वन क्लोरो प्रोपेन या एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल ये कॉमन नेम हो गया एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. नॉर्मल क्लोराइड ये कॉमन नेम है नॉर्मल नौ, प्रोफाइल एंड आइसो प्रोफाइल भी होता है तो आइसो प्रोफाइल कुछ इस टाइप का हो गया देखिए मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है सी एच थ्री और सी एच और ये है सी एच थ्री सी एल ये लिखा हुआ है या फिर ये आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं सी एच थ्री और सी और सी एच थ्री एच और सी ऐसे तो यह है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखे नेम भी लिखिए कॉमन नेम भी और आईपेक नेम भी सो so, कॉमन नेम आईपेक नेम लिखते हैं यहां पे। ये सिंपल सा ऐसे है वन टू थ्री नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री तो टू क्लोरो आईपेक में तो हो जाएगा टू क्लोरो और थ्री कार्बन है प्रोपेन टू क्लोरो प्रोपेन हो गया और जो कॉमन नेम था ये ग्रुप आप जानते हैं ये ग्रुप को सेम है दोनों एक ही चीज है आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दोनों नाम जानना है आपको तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्लोराइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हो गया नेक्स्ट फोर कार्बन फोर कार्बन में फोर चांसेस है लिखिए सबसे सिंपल कॉमन नेम आप जानते हैं एन ब्यूटाइल नॉर्मल ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ये. सो नेक्स्ट फोर कार्बन अल्काइल लाइट जो आईपीक नेम है फोर कार्बन के लिए फोर कार्बन में फोर uh, ब्यूटाइल होता है नॉर्मल ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड ट्रीब्योटाइट सो स्टार्ट करते हैं और ये अगर मैंने ऐसे नाम लिखा इस तरह से फिगर बनाया सी एच थ्री और सी एच टू सी एच टू ये सी एच टू और ये सी ऐसे मैंने कर दिया या लाइन फिगर में मैंने ऐसे बनाया वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और क्लोरीन, ऐसे कर दिया तो इसका आयोपेक नेम और कॉमन नेम आयोपेक नेम में मेन चेन जो होगा वो फोर का वन टू थ्री फोर तो फोर कार्बन है सो so, वन क्लोरो ये हो गया वन और क्लोरो वन क्लोरो और ब्यूटेन ये आयोपेक नेम हुआ और ऐसे कॉमन नेम जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल नॉर्मल एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये है कॉमन नेम बताइए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सी एच थ्री और सी एच टू और यहाँ मैं सी CH एच और सी एच थ्री ऐसे और सी एल कर दूँ ठीक है ऐसे या फिर इसको हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं सी एच थ्री और सी एच टू और सी और यहाँ पे सी एच थ्री कर दूँ मैं एच और ये हो गया सी एल ठीक है या लाइन फिगर लिखना होगा तो लाइन फिगर में वन टू थ्री फोर कार्बन और ऐसे मैं कर दूँ क्लोरिन ठीक है तो ये आप फिगर देख रहे हैं इसमें ये है टू डिग्री ये टू डिग्री अल्काइल लाइड है मेन चेन में, में नंबरिंग करेंगे तो वन और टू थ्री फोर ऐसे ये हो गया सो आप आयोपेक नेम लिखना है तो आयोपेक नेम में इसका नाम आ जाएगा टू क्लोरो टू क्लोरो ब्यूटेन और हम लोग जो कॉमन नेम पढ़ते हैं इसका कॉमन नेम हम लोग पढ़े हुए हैं तो कॉमन नेम में ये टू डिग्री टू डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी 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 ब्यूटाइल क्लोराइड तो एस ई सी एस ई सी शॉर्ट में लिखते हैं एस ई सी सेकेंडरी और ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया कॉमन नेम ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आप अगर ऐसे चेंज कर रहे हैं सी एच थ्री और ये सी और यहाँ पे सी एच थ्री और एच और सी एच टू और ये सी एल ऐसे कर रहे हैं या फिर या वन टू थ्री कार्बन है वन टू थ्री ऐसे और ये ऐसे करते हैं इस तरह से तो ये हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में हम लोग जानते हैं कि ये मेन चेन हुआ और मेन चेन में नंबरिंग वन और टू थ्री तो आयोपेक नेम लिखना होगा तो आयोपेक नेम में टू मिथाइल वन क्लोरो पहले वन कर लेते हैं वन क्लोरो टू मिथाइल तो वन क्लोरो वन क्लोरो टू मिथाइल और वन टू थ्री कार्बन प्रोपेन हो गया और कॉमन नेम में हो गया ये आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो ये है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया नेक्स्ट सो so, ब्यूटाइल का फोर पार्ट और नेक्स्ट पार्ट हुआ टर्स्री टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड देखिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं सी एच थ्री और C और यहाँ पे ऐसे सी एच थ्री और ये है सी एच थ्री और ये है सी एल लाइन फिगर बनाएंगे तो लाइन फिगर में ऐसे और वन टू थ्री ऐसे और सी एल ऐसे इस तरह से इसमें मेन चेन आप जानते हैं कि मेन चेन ये चेन होगा ये हम लोग का मेन चेन होगा जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन और इसमें वन और इसका नाम हो गया टू और यह है थ्री तो इसका जो नेम हो गया आयोपिक नेम में टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन सो तो यह टू क्लोरो -टू मिथाइल प्रोपेन और कॉमन नेम में इसका नाम हो गया ट्री क्लोराइड टीई आर टी टट तो कॉमन नेम भी जानना है आईपेक नेम भी जानना है नेक्स्ट फाइव कार्बन में आते हैं फाइव कार्बन के लिए हम लोग प्लान करते हैं चलिए फाइव कार्बन के लिए हम लोग प्लान करेंगे फाइव कार्बन में जैसे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर सी एच थ्री हुआ और सी एच टू और सी एच फिर यहाँ सी एच टू और फिर यहाँ सी एच थ्री और ये सी एच टू सी एच तो हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि मेन चेन जो है वो यही मेन चेन रहेगा वो चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहेगा वही मेन चेन होगा तो वन टू थ्री एंड फोर फाइव ये मेन चेन है ये क्लोरीन से नहीं यानी कि क्लोरीन लेंगे तो वन टू थ्री फोर ही आएगा तो ये मेन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वही मेन चेन होगा तो आईपेक नेम में हम लोग लिखेंगे थ्री थ्री और ब्रैकेट बना देंगे और इसका नाम है क्लोरोमिथाइल थ्री पे लगा हुआ है क्लोरोमिथाइल क्लोरो और मिथाइल थ्री पे क्लोरोमिथाइल है ब्रैकेट बंद कर लीजिए और वन टू थ्री फोर फाइव फाइव को पेंटिंग होगी ये नेक्स्ट नेक्स्ट फाइव कार्बन में मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूँ सी एच थ्री और ये है सी एच टू और ये है सी CH एच और सी एच टू और यहाँ पे सी एच थ्री कर दूँ और फिर ऐसे कर दूँ यहाँ सी एच और वही सी एल और ऐसे सी एच थ्री कर दूँ अब अब तो आपका मेन चेन नीचे से जाएगा क्योंकि फाइव कार्बन सीधे में भी फाइव कार्बन स्ट्रेट में भी और इस साइड में भी जाएंगे तो इस रास्ते में भी आपका फाइव कार्बन मेन चेन में आ रहा है ऐसे फाइव कार्बन आ गया मेन चेन में तो अब हम लोग नंबरिंग करेंगे यहां से वन और टू थ्री फोर एंड फाइव ये सही हुआ आपका और अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले तो टू क्लोरो थ्री इथाइल टू क्लोरो थ्री इथाइल टू से लगाना है क्लोरो और थ्री लगाना है इथाइल और फाइव कार्बन है फाइव कार्बन पेंटेन टू क्लोरो थ्री का प्लानिंग करते हैं सब स्टेशन का प्लानिंग का मतलब अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं सी एच थ्री और ये है सी एच और ये है सी एच और ये है सी एच थ्री और, और यहां पे मैं लिख दू सीएल ऐसे सी एल कर दूँ और यहां पे मैं कर दू बीआर ऐसे सी एल एंड बी आर क्लियर अब हम लोग को क्लोरो और ब्रोमो में जानते हैं सीनेरटी टेबल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले ब्रोमो आएगा तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये इसका नाम जो है इसका स्टार्ट होता है बी से ब्रोमो और इसका स्टार्ट होता है सी से क्लोरो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ से नंबरिंग करेंगे वन टू तो थ्री एंड फोर ये सही नंबरिंग रहेगा इस तरह नंबरिंग करके हम लोग नेम लिखेंगे टू ब्रोमो थ्री क्लोरो और फोर कार्बन फोर कार्बन को ब्यूटेन कर लेंगे होगी मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं सी एच टू और डबल बॉन्ड और सी एच और यहां पे सीएच टू और सी एल कर दूं ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ये एक हेलोजन है एक डबल बॉन्ड है और इन दोनों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीनियरिटी टेबल सीनियरिटी टेबल में जो है डबल बॉन्ड ज़्यादा सीनियर होता है क्लोरीन से तो सीनियरिटी टेबल में डबल बॉन्ड हमेशा सीनियर होगा क्लोरीन से ये तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है डबल बॉन्ड साइड से और इस तरह नंबरिंग करेंगे वन और टू थ्री और हो गया थ्री क्लोरो I pick name what three chloro propene Three chloro. Prop in. Okay. Next. नेक्स्ट मान लीजिए मैं ऐसा कुछ नेम देता दे हूँ मान लीजिए सी एल और सी और सी एल और यहाँ पे सी एल और ये है सी एच टू और सी एच टू बी एल तो यहाँ पे है uh, इस साइड तीन क्लोरीन है इधर एक ब्रोमीन है फिर भी ब्रोमो ही मेन लीड करेगा और ब्रोमो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग बी पहले आ रहा है तो वन टू थ्री तो ब्रोमो से ही नंबरिंग करेंगे यार नंबर थ्री से मतलब नहीं है सीनियर अभी भी तो ब्रोमो है आपका तो इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर वन ब्रोमो थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री ट्राईक्लोरो प्रोपेन। ये है रिजल्ट हो गया सो ये तो कंप्लीट हो गया अब एक का क्लाइंट फिगर पढ़ना हो तो देख लीजिए अब आप, आप सारा तो एक जैसा ही है सो मान लीजिए ऐसे पढ़ना हो अगर यहां बी लगा हुआ है और यहां पे सीएल लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है यहाँ इथाइल लगा हुआ है यहाँ एक डबल बॉन्ड भी कर देता हूँ ठीक है तो सीनियर टेबल के हिसाब से डबल बॉन्ड ज़्यादा सीनियर है तो डबल बॉन्ड इधर से दूसरे पोजिशन पे आ रहा है और वहाँ से ब्रोमीन आ रहा है तो मैं तो नंबरिंग करूँगा वन और टू थ्री फोर और फाइव सिक्स बाकी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है इसमें तो हम लोग लिखेंगे फाइव ब्रोमो थ्री क्लोरो फाइव ब्रोमो थ्री क्लोरो और यहां हो गया फोर इथाइल नेक्स्ट टू मिथाइल और ये है सिक्स हेक्स टू इन हो गया रिंग पढ़ना आपको यह है रिंग ठीक क्लोरो साइक्लो तो इसका नाम हो गया क्लोरो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्लोरो साइक्लो हेक्स ठीक है नेक्स्ट अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं क्लोरीन और डबल बॉन्ड कर दूँ सीनियरिटी टेबल आपने अभी पढ़ा था और इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा सीनियर है तो नंबरिंग आपको वन और टू थ्री ऐसे नंबरिंग करना है वन डबल बॉन्ड को और इसको कवर करते हुए टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये सही है बाकी नंबरिंग हो गया नेम लिख लेंगे और थ्री क्लोरो थ्री क्लोरो साइक्लोहेक्सिन हो गया तब इजी नेक्स्ट मान लीजिए इसमें क्लोरीन भी आ गया और ब्रोमीन भी आ गया और मैंने यहाँ डबल बॉन्ड भी डाल दिया तो आसान है तो मेन तो सीनियरिटी टेबल में ये तो जानते ही हैं कि यहाँ सीनियरिटी और सीनियरिटी में सबसे ज्यादा सीनियरिटी में डबल बॉन्ड आएगा इसमें तो कोई डाउट है नहीं और क्लोरीन ब्रोमीन में आप जानते हैं ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर क्लोरीन तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऐसे वन एंड टू ऐसे करते हुए डबल बॉन्ड कवर करना है और फिर जो क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन को प्रायोरिटी देना है तो वन टू थ्री इसको पहले पोजिशन फोर फाइव सिक्स हो गया नंबरिंग मैंने सिखाया है आपको तो अब आप यहां पे लिखेंगे थ्री ब्रोमो सिक्स क्लोरो साइक्लो हेक्स इन हो गया कंप्लीट नेक्स्ट तो साइक्लो यही है एकदम सिंपल सा मान लीजिए मैं ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ इस तरह से आपका मान लीजिए मैंने ये छोटा सा ही रिंग दे दिया और ऐसे कर दिया यहाँ पे यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया मैंने और ये कर दिया मैंने क्लोरीन कर दिया ऐसे तो हमें नंबरिंग करना है नंबरिंग करना है सबसे पहले तो मुझे कवर करना है डबल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को कवर करूंगा तो बेस्ट तो यही रहेगा कि इसको वन कर दूं और इसको टू कर दूं और थ्री क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करके ही मैं उसके पास जाऊंगा ब्रोमीन के पास सो so, ये हुआ और इस तरह नेम हो गया थ्री ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लोप्रोपिन साइक्लोप्रोपीन हो गया नेक्स्ट ये सो so, अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग में ये आ जाएगा ये पहले और दूसरा नंबर और ये तीसरा हो गया वन टू थ्री क्योंकि ये डबल बॉन्ड कवर करना है और जो डबल बॉन्ड के बाद जो मेन सीनियर है ब्रोमीन है तो उसको पहले पोजीशन देना है तो इस तरह हो गया वन ब्रोमो टू क्लोरो वन ब्रोमो और टू क्लोरो साइक्लोप्रोपीन हो गया इसमें बाईसाइक्लो स्पायरो जो भी करना हो सेम पैटर्न जैसे पहले आप पढ़े हुए हैं वही रूल यहाँ पे भी है जैसे मान लीजिए आपको ये रिंग हो गया आप जानते हैं ऐसे मैंने कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कर दिया तो और ये हुआ आपका ब्रोमीन कर दिया और ये क्लोरीन कर दिया ऐसे तो ये जानते हैं आप इसका इसका नाम जानते हैं बाईसाइक्लो हो गया तो बाईसाइक्लो तो बाईसाइक्लो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज टुवर्ड हायर रिंग तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज ब्रिज से ऐसे वन और टूअर्ड हायर रिंग तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सही है ये ब्रिज का मतलब ऊपर वाला ब्रिज नहीं ऊपर वाला ब्रिज लेंगे तो ये हो जाएगा सेवन ये होगा एट जबकि ब्रोमीन को हमको पहले पोजिशन देना है तो अब हम लोग लिखेंगे सेवन ब्रोमो एट क्लोरो सेवन ब्रोमो एट क्लोरो बाईसाइक्लो फोर और टू जीरो फोर कॉमा टू कॉमा जीरो फोर टू जीरो फोर टू जीरो और ये है एट है ऑक्टेन ये ओके okay? स्पायरो yes. भी कर सकते हैं आइसोलेटेड भी पढ़ सकते हैं स्पायरो जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया आप मान लीजिए मैंने यहां से क्लोरीन ले लिया इस साइड मैंने ब्रोमीन ले लिया ऐसे इस तरह का एग्जांपल। तो स्पायरो स्पायरो में नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लोअर रिंग इसमें तो रिंग का बराबर है तो ब्रोमीन वाला ग्रुप को मैं लेके चल रहा हूं वन टू थ्री और फोर फाइव सिक्स सेवन तो नंबरिंग सिखाया था मैंने स्पायरो का और इस तरह आपको लिखना है टू ब्रोमो सिक्स क्लोरो स्पायरो थ्री कॉमा थ्री लेफ्ट साइड थ्री राइट साइड थ्री, थ्री और हेप्टे थ्री कॉमा थ्री ये नेक्स्ट आइसोलेटेड भी पढ़ना हो तो आइसोलेटेड भी आप जानते हैं कैसे लिखना है आइसोलेटेड का मतलब जैसे यही एग्जाम्पल है मान लीजिए यही एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूं ऐसे कर दूं और मैं यहां कर दूं ब्रोमीन और इसको मैं कर दूं क्लोरीन तो ब्रोमीन वाला रिंग मेन रिंग कहलाएगा तो उसका नंबरिंग करने का तरीका मैंने समझाया था कि यह है वन और टू थ्री फोर और यह हो गया वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश यह है। और आपको लिखना है पहले तो ब्रोमीन तो थ्री ब्रोमो थ्री डैश क्लोरो डाइसाइक्लोब्यूटेन और बगल में वन वंडर्स डाई साइक्लो ब्यूटेन डाई साइक्लो ब्यूटे ऐसा नेक्स्ट सो so, हो गया आप इसमें और अगर एक आखिर एग्जाम्पल जैसे पहले आप पढ़ते थे उस तरह अगर ऐसा पढ़ना हो मान लीजिए कि ये है ब्रोमीन है और ये मैंने ऐसे लिख दिया और एक ब्रोमीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ ऐसे ले लिया ठीक है सो तो इसका नेम लिखना है तो हम लोग पढ़े हुए थे कि इस केस में ऐसा आपको प्लानिंग करना है नंबरिंग करना है वन एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये जो ब्रांच हुआ इस साइड का जो ब्रांच है और उसका नंबरिंग कुछ हम लोग ऐसे करेंगे ये इसका नंबरिंग करेंगे वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश ये है नंबरिंग अब हम लोग नेम लिखेंगे इसका तो वन ब्रोमो नेक्स्ट टू पे लगा हुआ है उसका ब्रैकेट बनाएंगे ये ग्रीन कलर वाले के लिए ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे टू डैश ब्रोमो थ्री डैश क्लोरो